बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दिस इज़ अदनान रसूल फ्रॉम न्यू बीकन हाउस ग्रुप ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस आरीवाला। स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश ग्रामर का डायरेक्ट इनडायरेक्ट लेक्चर 7 जो है वो पढ़ेंगे, जिसमें हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को है जो डिस्कस करेंगे। तो बेटा, सबसे पहले तो हम इस चीज़ की पहचान करेंगे कि रिपोर्टेड स्पीच मतलब कॉमास के जो अंदर वाला हिस्सा है, अब उसका कैसे पता लगेगा कि वो एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो बेटा, वो फिकरात मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो फिकरात जिनमें हैरत का, खुशी का, गमी का या गुस्से का इजहार किया जाए, वो फिकरात एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। और इनकी पहचान ये होती है कि किसी वर्ड के आखिर में या सेंटेंस के आखिर में एक्सक्लेमेटरी साइन जो है वो इस्तेमाल होगा, ये साइन जो है वो लाजमी इस्तेमाल किया जाएगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि हैरत का, खुशी का, गमी का या गुस्से का इजहार जिन फिकरात में किया जाएगा वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होंगे। जैसे मैंने फिकरा लिखा है, ही सेड हुर्रा वी हैव वन द मैच। अब हुर्रा से मतलब है, ये एक जो है वो साइन भी इस्तेमाल हुआ है, तो इसमें जो है हम जो है खुशी का इजहार है कि हम मैच जीत चुके हैं, हम खेल जीत चुके हैं। तो ये फिकरा बेटा क्या हुआ, फिर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का हुआ। आज का हमारा टॉपिक जो है वो इस चीज़ पर है कि अगर जो है हमारे पास एक डायरेक्ट फिकरा एक्सक्लेमेटरी जो है वो हमें इनडायरेक्ट करना पड़ जाए, तो फिर हम उसको क्या, किस तरीके से जो है वो इनडायरेक्ट करेंगे। सबसे पहले हम सेट या सेट टू की चेंजिंग कैसे करेंगे, फिर कॉमास की चेंजिंग जो क्या होगी, और वो वर्ड जो हैरत, खुशी, गमी या गुस्से का इजहार कर रहा है उसका क्या करेंगे, फिर प्रोनाउन की चेंजिंग्स कैसे होगी, और उसके बाद जो है वो हेल्पिंग वर्ब की चेंजिंग क्या होगी, और वर्ब अगर जो है वो चेंज करना है तो वो किस रूल के तहत जो है वो किया जाएगा। आज का टॉपिक बेटा हमारा इस चीज़ पर मुनहसिर है। तो सबसे पहले बेटा बात के सेड या सेड टू हमने किस में चेंज करना है। अगर हमें पता लग गया कि रिपोर्टेड स्पीच मतलब कॉमास के अंदर वाला जो हिस्सा है वो जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से ताल्लुक रखता है, तो सेड टू, सेड या सेड टू जो भी हो, आपने उसको एक्सक्लेम्ड विद में बदल देना है। सबसे पहले एक्सक्लेम्ड विद लिखने के बाद आपने देखना है कि फिक्रे में किस चीज़ का इजहार है। अगर खुशी का इजहार हो तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय कर देना है, और अगर जो है वो दुख का इजहार हो, अफसोस का इजहार हो, तो एक्सक्लेम्ड विद सॉरो कर देना है, और ऐसे ही अगर जो है वो हैरानगी का इजहार हो तो एक्सक्लेम्ड विद वंडर कर देना है। और वंडर की स्पेलिंग जो है WONDER वंडर होगा, एक वर्ड WANDER वंडर भी होता है जिसका मतलब होता है घूमना फिरना, तो ये WONDER वंडर जो है वो स्पेलिंग लिखे जाएंगे। मतलब सेट या सेट टू जो वो एक्सक्लेम्ड विद में कन्वर्ट करने के बाद अगर खुशी का इजहार है तो जॉय लिख दिया जाएगा, अगर दुख का इजहार है तो सॉरो लिख दिया जाएगा, और अगर हैरानगी का इजहार है तो वंडर लिख दिया जाएगा। सबसे पहले तो हमने ये बात कर ली कि सेट या सेट टू हमने किस में कन्वर्ट करना है। उसके बाद सेकेंड चीज़ जो हमारे है वो है कॉमास, कि हमने इन्वर्टेड कॉमास को ख़त्म करके क्या करना है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर फिकरा असर्टिव, ऑप्टेटिव या एक्सक्लेमेटरी होगा तो कॉमास ख़त्म करके जो है वो दैट का इस्तेमाल किया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो है बेटा वो है कि जो वर्ड भी हैरत, खुशी, गमी, गुस्से का इजहार कर रहा हो, इनडायरेक्ट करते हुए जो है वो उसे ख़त्म कर दिया जाता है। उसकी रीज़न ये है बेटा कि एक्सक्लेम्ड विद जॉय जब आपने लिख दिया, या एक्सक्लेम्ड विद सॉरो लिख दिया, या एक्सक्लेम्ड विद वंडर लिख दिया, तो इस बात का पता लग गया कि क्या चीज़ का इजहार किया जा रहा है, तो उस इजहार के बाद ऐसे किसी भी वर्ड की ज़रूरत नहीं रहती, जो इसलिए इनको इनडायरेक्ट करते हुए वो अल्फाज जो हैरत, खुशी, गमी, गुस्से का इजहार कर रहे होंगे, इनडायरेक्ट करते हुए उनको ख़त्म कर दिया जाता है। उसके बाद बेटा नेक्स्ट चीज़ है प्रोनाउन की चेंजिंग। प्रोनाउन की चेंजिंग मैंने को बताया था तमाम इनडायरेक्ट फिकरात करने में एक ही होती है, वो क्या है कि फर्स्ट पर्सन मतलब आई, माई, मी जो है, या वी ओवर अस जो है, वो सब्जेक्ट के साथ रिपोर्टिंग स्पीच मतलब कॉमास से बाहर वाला जो हिस्सा है उसके सब्जेक्ट के साथ चेंज किए जाएंगे। ये छह हालतें आई, माई, मी, वी और अस, ये हमेशा जो है
वो सब्जेक्ट के साथ ही चेंज की जाएंगी, लेकिन इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जो केस रिपोर्टेड स्पीच में इस्तेमाल हुई है सब्जेक्ट की भी वही केस ली जाएगी। और उसके बाद अगर सेकंड पर्सन इस्तेमाल हुआ है तो आपने रिपोर्टिंग स्पीच मतलब कोमा से बाहर वाला जो हिस्सा है उसके ऑब्जेक्ट के साथ उसको चेंज कर देना है, और अगर ऑब्जेक्ट इस्तेमाल नहीं हुआ तो मी को जो है वो ऑब्जेक्ट पर्स कर लिया जाता है। तीसरी चीज़ थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन में यू योर यू शामिल है, थर्ड पर्सन ही हिज हिम शी हर हर इट इट्स इट दे देयर देम, अगर इनमें से कोई भी एक वर्ड इस्तेमाल हुआ है तो उसमें चेंजिंग कोई भी नहीं की जाएगी, उनको एज इट इज़ वैसे ही लिख दिया जाएगा। तो प्रोनाउन की चेंजिंग बेटा इस तरीके से होगी कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के साथ, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के साथ, और थर्ड पर्सन को चेंज नहीं किया जाएगा। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब अगर इस्तेमाल हुआ है तो उसकी चेंजिंग कैसे होगी। हेल्पिंग वर्ब बेटा मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस एम आर ये चेंज कर दिए जाएंगे वाज वर्ब, लेकिन ये याद रखिएगा कि हेल्पिंग वर्ब्स की वर्ब की चेंजिंग सिर्फ उस सूरत आप करेंगे कि आपका रिपोर्टिंग स्पीच मतलब कोमास से बाहर वाला हिस्सा पास्ट टेंस पर मुश्तमिल है, अगर ये प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस पर मुश्तमिल है तो फिर टेंस की चेंजिंग नहीं होगी। तो मोस्टली मैंने इस वजह से ये लिखा है कि मोस्टली जो सेंटेंसेस हैं वो पास्ट वाले होते हैं, इस वजह से टेंस की चेंजिंग करनी पड़ती है, लेकिन अगर प्रेजेंट या फ्यूचर रिपोर्टिंग स्पीच में इस्तेमाल हुआ है, रिपोर्टिंग स्पीच में प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस है तो फिर रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं किया जाएगा, उनको वैसे ही लिखा जाएगा। अब देखिए बेटा अगर पास्ट होने की सूरत में हमने जो है वो सेट या सेट टू इनके मुताबिक चेंज कर देना है, कोमास खत्म करके हमने जो है वो दैट लगाना है, प्रोनाउन की चेंजिंग मैंने आपको बता दी। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब अगर इस एम आर इस्तेमाल हुआ है तो आपने उसे बदल देना है वाज वर्ब में, और अगर वाज वर्ब इस्तेमाल हुआ है तो आपने उसको हैड बीन में जो है वो चेंज कर देना है। ऐसे ही हैज हैव अगर इस्तेमाल हुआ है तो आप उसे हैड में बदल देंगे, और अगर हैड इस्तेमाल हुआ है तो वो हैड ही रहेगा, हैड में चेंजिंग नहीं की जाएगी। उसके बाद डू नॉट डज नॉट हमेशा जो है वो डिड नॉट में चेंज कर दिए जाएंगे, और डिड नॉट जो है वो हैड नॉट के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब होगी। इट मीन्स कि प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है वो पास्ट इंडेफिनिट में चेंज होगा, और पास्ट इंडेफिनिट जो है वो पास्ट परफेक्ट में चेंज कर दिया जाएगा। ऐसे ही बेटा विल और शेल जो है वो वुड में चेंज किए जाएंगे, सिर्फ वुड में चेंज किए जाएंगे। उसके बाद कैन कुड में चेंज कर दिया जाएगा, मे माइट में चेंज कर दिया जाएगा, फर्स्ट फॉर्म जो है वो सेकंड फॉर्म में होगी। फर्स्ट फॉर्म मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट, मैंने भी पहले बात की है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट में कन्वर्ट हो जाएगा, और सेकंड फॉर्म जो है पास्ट इंडेफिनिट इसको आप पास्ट परफेक्ट में जो है वो चेंज कर देंगे। तो ये कानून है बेटा, इसके मुताबिक इन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए हम इनको इनडायरेक्ट करते हैं। एक फिक्र है ही सेड हुर्रा वी हैव वन द मैच, अब इसको इनडायरेक्ट करते हैं, हुर्रा इसने हमें बता दिया कि खुशी का इजहार है, लिहाजा सेड या सेड टू जो सेड जो है इसको हम एक्सक्लेम्ड विद जॉय में लिख देंगे। खुशी का इजहार होने की सूरत में मैंने आपको पहले बताया है कि एक्सक्लेम्ड विद जॉय कर दिया जाएगा, उसके बाद कोमास खत्म करके हम दैट का वर्ड इस्तेमाल करेंगे। दैट इस्तेमाल करने के बाद बेटा नेक्स्ट वर्ड है हुर्रा, मैंने आपको बताया था कि एक्सक्लेम्ड विद जॉय ने बता दिया कि इसको कि हम जो है खुशी का इजहार कर रहे हैं, तो इनडायरेक्ट करते हुए हैरत खुशी या गुस्से का इजहार करने वाले फिकरा जो वर्ड्स हैं उनको जो है वो रिमूव कर दिया जाएगा, लिहाजा ये ख़त्म हो गया। नेक्स्ट बेटा आ गया प्रोनाउन, अब इस प्रोनाउन में ये चीज़ देखें वी, वी फर्स्ट पर्सन से ताल्लुक रखता है, हमने सब्जेक्ट के साथ चेंज करना है तो वही हम सब्जेक्ट के साथ चेंज तो करेंगे, लेकिन इधर एक इशू है कि वही जो है वो एक जमा का वर्ड है, प्लूरल वर्ड है, जबकि हमारा सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है, तो हम क्या करेंगे, हम ही की जो है वो जमा लेंगे, क्योंकि ये जमा है तो हम सब्जेक्ट जो है उसकी भी जमा ही लेंगे, आई की जमा वही होती है, ऐसे ही शी की जमा जो है वो दे होती है, लिहाजा इधर दे का वर्ड इस्तेमाल किया जाएगा, समझ आई। उसके बाद बेटा नेक्स्ट देखें आगे क्या है जी, हैव, मैंने आपको बताया है कि हैज हैव जो है वो हेड में जो है वो चेंज कर दिया जाएगा, लिहाजा इधर हेड इस्तेमाल हो जाएगा। उसके बाद हैज हैव हैड, तीन इमदादी फेल ऐसे हैं जिनके बाद सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल होती है, सॉरी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल होती है, लिहाजा इधर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगा देंगे, और उसके बाद फिकरा जो है वो मुकम्मल कर दिया जाएगा। तो बेटा इस तरीके से जो है वो एक
एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो है वो इनडायरेक्ट किया जाएगा। इसके आगे हम मिसालें देखते हैं। He said, "Alas, I am gloom." अब बेटा अलास ने ये शो कर दिया कि हैर जो है वो दुख का इजहार है, तो सैड जो है वो हम कन्वर्ट कर देंगे एक्सक्लेम्ड विद सॉरो में। उसके बाद कोमास खत्म करके हम डेड का वर्ड इस्तेमाल करेंगे जैसे हमने पहले किया है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो अलास, मैंने आपको बताया कि वो जो वर्ड्स जो हैरत खुशी गमी का इजहार करें वो इनडायरेक्ट करते हुए ख़त्म कर दिए जाते हैं, लिहाजा ये ख़त्म हो गया। उसके बाद जो है वो प्रोनाउन फर्स्ट आया है, प्रोनाउन जो है वो फर्स्ट पर्सन से ताल्लुक रखता है और मैंने बताया कि फर्स्ट पर्सन जो है वो सब्जेक्ट के साथ चेंज कर दिया जाएगा, लिहाजा आई को जो है हम सब्जेक्ट के साथ चेंज करेंगे, ही इस्तेमाल हो जाएगा। उसके बाद एम इज एम आर मैंने बताया है कि वाज वर्ब में जो है वो चेंज कर दिए जाएंगे, तो ही के साथ जो है वो सूटेबल हेल्पिंग वर्ब जो है वो वाज है और उसके बाद फिकरा मुकम्मल कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से इसका इनडायरेक्ट होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, ही सेड माई ब्रदर हैज पास। अब इस वर्ड ने बता दिया कि जो है वो खुशी का इजहार किया जा रहा है, लिहाजा सेड जो है वो एक्सलेम्ड विद जॉय में जो है वो कन्वर्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद कोमास खत्म करके हम डेट का वर्ड इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट खुर्रा, वही बात जो मैंने पहले बताई है कि इनडायरेक्ट करते हुए हैरत खुशी गमी गुस्से के इजहार के जो वर्ड्स उनको ख़त्म कर दिया जाता है, लिहाजा इसको ख़त्म कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट माई, माई बेटा क्या है जो है फर्स्ट पर्सन से ताल्लुक रखता है और मैंने बताया फर्स्ट पर्सन जो है वो सब्जेक्ट के साथ चेंज होगा, क्योंकि ये पोजेसिव केस है, ही की जो है वो पोजेसिव केस ले ली जाएगी, तो ही की पोजेसिव केस हिज ब्रदर। उसके बाद नेक्स्ट हैज हैव जो है वो हेड में जो है मैंने बताया कन्वर्ट कर दिए जाएंगे, लिहाजा इधर हैड और इसके बाद फॉर्म जो है वो थर्ड इस्तेमाल होगी। नेक्स्ट बेटा सेंटेंस, ही सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ आर्ट इट इज। अब ये फिकरा जो है वो हैरानगी का इजहार कर रहा है, व्हाट वाले फिकरा जो एक्सक्लेमेटरी में होते हैं या हाउ से जो शुरू होते हो वो जो है हैरानगी का इजहार करते हैं, तो अब इस फिकरे में जो है वो एक्सक्लेम्ड विद वंडर आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा कोमास खत्म करके हम दैट का वर्ड इस्तेमाल करेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में करते हैं। उसके बाद व्हाट, क्योंकि बताया था मैंने आपको कि जो ऐसे वर्ड हैरत खुशी गमी गुस्से का इजहार कर रहे हो इनडायरेक्ट करते हुए उनको ख़त्म कर दिया जाता है। फिर मैंने आपको ये बात बताई थी जब हमने इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट किया था, मैंने आपको ये बात वाज़ेह तौर पर बताई थी कि जितने भी फिकरात हैं जब उनको इनडायरेक्ट किया जाएगा तो वो सिर्फ और सिर्फ असर्टिव रूल को फॉलो करेंगे। तो अब दैट कंजंक्शन लगाने के बाद हमें सबसे पहले जो है असर्टिव कानून के मुताबिक सब्जेक्ट चाहिए। असर्टिव कानून है भी ये कि सबसे पहले सब्जेक्ट और अगर रिक्वायर्ड है तो हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। लिहाजा दैट लगाने के बाद सबसे पहले हमें सब्जेक्ट चाहिए, तो आप ब्यूटीफुल पीस ऑफ आर्ट जो है ये बेसिकली ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नहीं है, तो सब्जेक्ट जो है सबसे पहले लगाया जाएगा इट। इट क्योंकि थर्ड पर्सन से ताल्लुक रखता है तो थर्ड पर्सन में कोई चेंजिंग नहीं की जाती, उसको वैसे ही लिख दिया जाता है। उसके बाद सब्जेक्ट लगाने के बाद हेल्पिंग वर्ब की हमें ज़रूरत होती है, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर जो है वो वाज वर्ब में चेंज कर दिए जाएंगे, तो इज जो है वो इधर वाज में चेंज हो जाएगा। उसके बाद ये सारा हिस्सा ऑब्जेक्ट का आपने लिखना है, अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ आर्ट। इस तरीके से बेटा इसको इनडायरेक्ट जो है वो किया जाएगा। मैं अपनी बात सारी रिपीट कर देता हूँ कि जब भी एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को आपने इनडायरेक्ट करना है तो आपने सब जो है आपका रिपोर्टिंग स्पीच का हेल्प जो है वर्ब है सेट या सेट टू को आपने एक्सक्लेम्ड विद में कन्वर्ट कर देना है। उसके बाद अगर खुशी का इजहार है तो जॉय, अगर दुख का इजहार है तो सॉरो और अगर हैरानगी का इजहार है तो वंडर का वर्ड इस्तेमाल किया जाएगा। उसके बाद कोमास खत्म करके हम जो है वो दैट का वर्ड इस्तेमाल करेंगे। हेल्पिंग वर्ब की चेंजिंग जो है वो इज एम आर को वाज वर्ब में और वाज वर्ब जो है वो हैड बीन में चेंज होगा, हैज हैव हैड में चेंज हो जाएगा और हैड हैड ही रहेगा, डू नॉट डज नॉट जो है वो डिड नॉट में चेंज होंगे और डिड नॉट जो है वो हैड नॉट के बाद थर्ड
थर्ड फॉर्म होगी। उसके बाद विल और शैल जो है वुड में, कैन, कुड में, मे, माइट में, फर्स्ट फॉर्म जो है वो सेकंड फॉर्म में, और सेकंड फॉर्म जो है वो हेड के बाद थर्ड फॉर्म मतलब पास्ट परफेक्ट में जो है वो कर दी जाएगी। ये सारी चेंजिंग जो है हेल्पिंग वर्ब की सिर्फ उस सूरत की जाएगी जब रिपोर्टिंग स्पीच मतलब कॉमा से बाहर वाला जो हिस्सा है अगर वो पास्ट टेंस पर मुश्तमिल है, अगर वो प्रेजेंट या फ्यूचर पर मुश्तमिल है तो फिर ये चेंजिंग नहीं की जाएगी, वर्ब वो ही इस्तेमाल किया जाएगा। उसके बाद पर्सन जो है वो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के बाद साथ और सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के साथ और थर्ड पर्सन में कोई चेंजिंग नहीं की जाएगी। इस तरीके से बेटा इनको इनडायरेक्ट जो है वो किया जाएगा। यहाँ तक हमारा आज का लेक्चर है। इंशाल्लाह कल जो है उन लेट वाले फिकरात और विश वाले फिकरात को जो है वो इनडायरेक्ट करेंगे। जब तक के लिए शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।